हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि बोर्ड एग्जाम जो 2023 में होने वाला है वो 15 फेब के आसपास होने वाला है। ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर है। जैसे आप देख सकते हो डेट ऑफ 2023 मेन एग्जामिनेशन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 15 फेब, यानी 15 फेब से आपके बोर्ड एग्जाम होंगे। जो भी क्लास 10th में और 12th में बच्चे हैं, तो आपको यार ये समझना है कि यार ये अगर पेपर फेब में होगा, 15 फेब के आसपास होगा, तो आपको सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, क्या फेब के भरोसे बैठना है। तो मैं आपको एक एग्जैक्ट डेडलाइन देता हूँ जिस तक आपको कंप्लीट करना है। तो यार मैं आपको बता देता हूँ, आपको अक्टूबर तक सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि यार अगर आप अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तभी आपकी चीजें सिस्टमेटिक रहेंगी, सही रहेंगी। क्यों? अगर आपने अक्टूबर तक कर लिया, आपके स्कूल में नवंबर दिसंबर में बहुत सारे एग्जाम होंगे, जनवरी में प्रैक्टिकल वगैरह में आप बिजी हो जाओगे। तो अगर आपका अक्टूबर में सिलेबस हो जाएगा तो आप ये मान लो आपका नवंबर और दिसंबर और जनवरी, ठीक है। अब होता क्या है कि दिसंबर और जनवरी में स्कूल वाले बहुत टेस्ट लेते हैं, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, ये सब होते रहते हैं, तो सेल्फ स्टडी का ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो आपके पास यहाँ पे जो नवंबर वाला मंथ रहेगा वो आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस, रिवीजन, ये सब में आपके लिए अच्छा रोल प्ले कर सकता है, अगर आपने अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया। हालांकि ये थोड़ा टफ टास्क है, ठीक है, तो थोड़ा सा मान सकता हूँ कि आपके लिए टफ टास्क होगा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई की है, कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत है, तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। तो मैं आपको डेडलाइन दे रहा हूँ अक्टूबर तक की, और उसमें अगर आप सारा कुछ कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा जिसमें आप अच्छे से चीजों को रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने नवंबर तक इसको खींचते हो तो मैं कहूंगा दिसंबर जनवरी में फिर आप कभी प्रैक्टिकल फाइल बनाने में लग जाओगे, कभी कुछ करने में, आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो एक महीना अगर आप निकाल लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, पेपर आपके अच्छे जाएंगे, और जो स्कूल टेस्ट होंगे उनमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बाकी आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको पता है कि अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जाता है, और इस कंटेंट को और बेहतर बनाने की कोशिश है आपके लिए। और इसी के लिए क्लास 10th, अगर ये फोल्डर जो है इसी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसमें आप क्लास 10th में क्लिक करना। यहाँ पे अब आप अगर आपने कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर कंप्लीट कर लिया, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाना, इसके रियल नंबर पे, रियल नंबर होगा यहाँ पे, हाँ ये रियल नंबर है, इस पे क्लिक करना, तो आपको हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, ऐसी पॉलीनोमियल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो भी चैप्टर्स हैं आपने जो कर लिया उसका आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कोई रेफरेंस बुक सॉल्व करना, तो यार मार्क्स बूस्टर है, इसमें चैप्टर वाइज अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आप ट्राई करिए। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है आपके पास, अगर आप सब कुछ कर ले तो डेफिनेटली जैसे पिछले साल 100 में 100 आए हैं, तो यार इस बार भी आप लोग भी 100 में 100 फोड़ोगे, ठीक है। और मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग भी बढ़िया से अच्छा स्कोर करने वाले हैं इस सेशन में, और मैं आपके साथ सारी चीजें जो आपको मिल रही हैं वो ऐसी मिलती रहेंगी, ठीक है। बाकी आप सबका इतना प्यार इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस बार 10th को फोड़ना है सब बच्चे, कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँ कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।